15 साल यहां शिवराज जी की सरकार, 5 साल वहां मोदी जी की सरकार, और इन दोनों ने मिलकर एक तरफ शिवराज जी, दूसरे तरफ मोदी जी, और दोनों के दोनों सबसे बड़े ढोंगी हैं। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाएंगे हर साल, 10 करोड़ 5 साल में। किसानों के लिए कहा था लागत का दाम आधा होगा, समर्थन मूल्य दुगना होगा। 5 साल में केंद्र में हर प्रदेश के किसान ने आत्महत्या किया है, अपने अन्नदाता उसके हड्डियों को लेकर संसद के बाहर धरना दिया है। एक मंत्री, एक संत्री, एक तंत्री उपस्थित नहीं किसान की गुहार सुनने के लिए। और मध्य प्रदेश की तो हम बात ही ना करें, इस मध्य प्रदेश की मेरी मालवा की माटी में जो भाजपा की सरकार ने मेरे अन्नदाताओं के लहू को इस माटी के साथ मिलाया था, उसी दिन 6 जून 2017 को सिंधिया परिवार के मुखिया ने एक प्रण लिया था कि जब तक इन भाजपाइयों की बोरी बिस्तर बांध के मैं न भेजूं, तब तक फूल की माला मैं नहीं पहनूंगा। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस धार की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, कि जिस सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, अवहेलना की, मामा जी की तो बोरी बिस्तर बांध के आप लोगों ने, अब इस बार है, यहां है मामा जी, वहां है, यहां है मामा जी, वहां है नाना जी, अब इस बार नाना जी की बोरी बिस्तर बांध के कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने कहा था जब उस मंदसौर के गोलीकांड के बरसी पर मैं उनको लेके आया था मंदसौर, हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक एक किसान का ऋण माफ होगा। और कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस करके दिखाती है। हमारा नारा है कि जान जाए वचन ना जाए, भाजपा का नारा है कि वचन जाए पर जान न जाए। भाजपाइयों ने सदैव कहा है कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सरकार सदैव कहती है कि भाजपा अपने आप ही जीते जा, काहे करे किसान का कर्जा माफ। हमने कहा था किसानों का कर्जा हम माफ करके देंगे, और सरकार बनते ही 2 दिन के अंदर कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हर किसान जिसने 2 लाख रुपया का ऋण लिया हो सरकारी बैंक से या सहकारिता बैंक से, हर किसान का कर्जा हम माफ करके दिलवाएंगे। 40,000 करोड़ साथ हो जाओ, बैठ जाओ, बैठो,
चालीस हजार करोड़ रुपया 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया। तालियां थोड़ी कम बजी। पीछे लाल शर्ट में, अरे तुमसे ही बात कर रहा हूं। अरे अरे मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। जब हमने ये घोषणा की, ये कैबिनेट का निर्णय है, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चुप। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने 15 साल में नहीं करके दिखाया वो हमने 2 दिन में करके दिखाया। सही है कि नहीं? चलिए, अरे ये धार की तालियां थोड़ी है। चलिए बजाओ। जब आचार संहिता लगी तो सारे के सारे भाजपा के नेता बरसाती मेढक की तरह गुटर 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 करके निकले। सही है कि नहीं? सही है। अरे दम से, अरे बिल्कुल सही है महाराज। और जब निकलते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये आमने सामने नहीं बात करते। विधानसभा चुनाव के समय में मैंने शिवराज सिंह जी से खुला मैंने चुनौती दी थी कि विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर आइए, आप तय करिए स्थान, आप तय करिए जगह। ज्योतिरादित्य सिंधिया हाजिर होगा आपके साथ परिचर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में। बोले ना बाबा ना। तो भाजपा के कार्यकर्ता कभी भी सामने आके बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कान में खुसर बोल। सही है कि नहीं? कान में खुसर बुसुर। तशीर रखिए। कान में खुसर बुसुर क्या कहेंगे? चौपाल पर गांव में, शहर में मंदिर के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारा के पास एक एक व्यक्ति को पकड़ के कान में कहेंगे, माफ नहीं हुआ। सही है कि नहीं? सही है। अब मुझे हो गए 17 साल इनका सामना करते हुए, तो मैं भी सीख गया हूं। भाजपा को जवाब उनकी ही शैली में देना होगा। अगले बार आपके चौपाल पर आएंगे कल, और ये मेरा संदेश गांव गांव तक, आप राजा, आप पांचेराज जी, आप बाल मुखर्जी, आप एक एक व्यक्ति भेजना, अगले बार चौपाल पे आए और कान में कहे, माफ नहीं हुआ। उनके कान में कह देना, 15 नाम का क्या हुआ? एक नंबर के झूठे, नौटंकी बात,
अपने आप तो कुछ ना करें, दूसरे भी कुछ करें तो उस पर भी पानी फेरने का कार्य करें। चोर बोल दो इनको। मेरी अपनी शैली, जहां किसान हाथ पताड़े देखो परिवर्तन, 3 महीने हुए हैं, आपने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, सरकार को पलट दी, आज भी भाजपा के पेट में मैं नहीं पच रहा, आज भी कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार को तोड़ेंगे, प्रजातंत्र की हत्या करने में ये 1 नंबर होते हैं। पर मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जनता ने बनाई है, बने बनती रहेगी और पूरे 5 साल सरकार न चले। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अपने आप तो कुछ न करें, 3 महीने हुए सरकार बदली और भगवान का भी आशीर्वाद देखो क्या बंपर फसल हुई है। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगती थी मंडियों में 15-15 दिन किसान को इंतजार करना पड़ता था, आज 2 दिन में तुलाई होती है और 48 घंटे में आपके खाते में नगद राशि पहुंचाती है सरकार। गेहूं का दाम जो 1500 रुपया होता था, आज 2000 रुपया प्रति क्विंटल, 160 रुपया। जो मोदी जी ने आपका बोनस लॉक कर दिया था ना, वो तिजोरी की चाबी हमने खोल दी और आपको 160 रुपया बोनस दिला। लसन क्या दाम मिलता था लसन का, 300, 400, 500, और आज कितना मिलता है? 8000 मिलता है। मकैया पे 200 रुपया क्विंटल बोनस। हम जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मेरा देश खुशहाल, ना किसान के लिए कुछ कर पाए। नौजवान कहा था लाएंगे अब अवसरों का भंडार, पर लेके आए ये लोग पान और पकौड़े वाली सरकार, और मध्य प्रदेश में तो स्थापित कर दिया कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में बाबा लोग मंत्री बने और युवा पकौड़े थे। IIT के इंजीनियर्स को ये कहते हैं कि पकौड़े वाली दुकान खोलो, क्या ऐसे भविष्य बनेगा हमारे देश का? जो एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में निर्मित किया है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, तो आज आपके सामने दिनेश खड़ा है, इसको आप अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो।